नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है माइके लाल, कुछ तो बतलाएं। कॉलम निगार है अमर जलील और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। कुछ वाकयात हमें हैरान, परेशान और हवास बाख्ता छोड़ देते हैं। सरकारी और गैर सरकारी जराए हमें भाषण देते रहते हैं कि कुछ जानना, मालूम करना और वाकयात को समझना हमारा बुनियादी हक है। कोई माई का लाल हमें हमारे हक से महरूम नहीं कर सकता, मगर इसके बरक्स एक नहीं बल्कि अनेक माई के लाल हमें हमारे हक से महरूम कर देते हैं। माई के लालों को हमें हमारे हक से महरूम करने से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि माई के लाल टारजन हैं और कोई इनको लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखने से रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों की कमी नहीं है। मसला यूं है कि पाकिस्तान में ईंट मारने वालों को ईंट नहीं मिलती और जवाबन ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों को पत्थर नहीं मिलते। पाकिस्तान में नहलों पे दहलों की भी कमी नहीं है, मगर क्या कीजिए कि नहलों और दहलों का आपस में रब्त नहीं होता। लिहाजा माई के गायब और अलोप लालों को कोई रोक टोक नहीं सकता। वो पसे पर्दा हमें हमारे हकूक, खास तौर पर बुनियादी हकूक से महरूम करते रहते हैं। आप हकूक गसब करने वाले माई के लालों को देख नहीं सकते। वो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। इस कथा से मेरी मुराद है कि गैर मामूली हकायक की तह तक पहुंचने के लिए बज़ाहिर माई के लाल आपका रास्ता नहीं रोकते। आप जानने और समझने के लिए वाकयात में मुलविस क़यादत तक पहुँच नहीं सकते। ये तय है कि बड़े वाकयात किसी क़यादत के बगैर सरजद नहीं होते और क़यादत तक पहुँचना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। मसलन पिछले दिनों एक खातून खुदकुश हमला आवर ने एक वैन को धमाके से पाश पाश कर दिया। वैन में 3-4 चीनी यानी चाइनीज असातिज़ा सवार थे। सबके सब मारे गए और ड्राइवर चूंकि पाकिस्तानी था वो शहीद हुआ। चाइनीज असातिज़ा कराची यूनिवर्सिटी में कायम कन्फ्यूशियस सेंटर में पाकिस्तानी तलबा को चाइनीज जुबान सिखाते थे। चंद बरसों बाद पाकिस्तान में आने वाला दौर अंग्रेजी के साथ साथ चीनी जुबान का दौर होगा। चीनी जुबान में महारत रखने वाले पाकिस्तानियों को चीन में आला तालीम और हुनरमंदी सीखने में आसानी होती है। इस काम के लिए कराची यूनिवर्सिटी ने चीनी आलिम और फलसफी के नाम से कन्फ्यूशियस सेंटर कायम कर रखा है। मुझे ये एजाज हासिल है कि बोहरा पीर के करीब प्रिंसेस स्ट्रीट पर मरहटा स्कूल में कायम कराची यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के उन तलबा के पहले ग्रुप में शामिल था जिन्हें जेरे तामीर कराची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में तामीर शुदा आर्ट्स ब्लॉक में शिफ्ट किया गया था। हमारा ग्रुप तलबा का पहला ग्रुप था जिन्होंने शहर से तब 12 मील दूर कराची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में कदम रखा था। सन था 1958-59। तब जंग अखबार में एक साहब हफ्तावार कॉलम लिखते थे शहर से 12 मील परे। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मादरे इल्मे से वाबस्ता अनेक यादें हैं मेरे पास। पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस पर चाइनीज असातिज़ा के बहीमाना कत्ल के वाकये का मुझे बहुत दुख है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में असातिज़ा को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया हो। मैं रूह तक कांप गया हूँ। जिस मौशरे में उस्ताद की इज्जत ना हो वो मौशरा बड़ा बदनसीब मौशरा होता है। ऐसे मौशरे में फूल बोएं तो ज़मीन से कांटे निकल आते हैं। ऐसा मौशरा ज़हनी तौर पर बीमार और अपाहिज बन जाता है। लोग ऐसे मौशरे में नफ्सा नफ्सी के आलम में जीते हैं और नफ्सा नफ्सी के आलम में मर जाते हैं। इस वाक़े पर टेलीविज़न पर दिखाए और सुनाए जाने वाले तबसरों और अखबारात के तज्जियों से पता चला है कि इस हौलनाक वारदात का मास्टरमाइंड मजीद ब्रिगेड है और मजीद ब्रिगेड का ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से है। माई के लालों से मजीद ब्रिगेड और BLA का पता मालूम करने की कोशिश की मगर बेसूद। पता तो तब बताते जब माई के लाल मिलते। माई के लाल कभी नहीं मिलते, मगर आसपास आप उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। मैं मजीद और BLA से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ। चाइनीज असातिज़ा को मौत के घाट उतारने से मजीद ब्रिगेड और BLA ने क्या हासिल कर लिया है? कुछ तो पता चले। मकसद के बगैर कोई कुछ नहीं करता।
ये अंसर इंसान की फितरत में शामिल होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि असातजा को मौत के घाट उतारने वालों का मकसद क्या था। मादरे इल्मी की जमीन पर असातजा का खून बहाने से मजीद और बीएलए को क्या मिला है? क्या उनको गवादर मिल गया है? सोने की काने मिल गई हैं? सी पैक का बिस्तर गोल हो गया है? कुछ तो पता चले। कोई बेमकसद किसी की जान नहीं लेता। क्या सादसा के कत्ल के बाद बलोच सरदार बलोचिस्तान के आम आदमी के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और हुनर सिखाने के लिए इदारे खोलने और खुलवाने पर रजामंद हो गए हैं? बीएलए वाले किससे बलोचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं? बलोचिस्तान को आप पहले सरदारों से आज़ाद करवाएं। सरदारों ने आपको मुफलसी और बेचारगी में कैद रखा हुआ है। वो अपने वोट बैंक को शऊर से महरूम रखना चाहते हैं। असातजा को एक तालीमी इदारे में मौत के घाट उतार कर आपने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं? कोई तो कुछ बतलाए। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।